नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है गुजरात एजुकेटर में। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुजरात एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास है बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम इन गुजरात एजुकेटर। पहला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन ए है जूसिया में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी पान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो श्वसन मूल है कौन से फसल में होती है बताइए। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूसिया में मिलती है श्वसन मूल। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर, इनमें से जड़ कौन सा नहीं है? सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, इसका राइट आंसर है आलू। आलू जड़ नहीं है, बाकी सब जड़ हैं। शकरकंद जड़ है, मूली भी जड़ है और गाजर भी जड़ है। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब स्तंभ मूल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए गन्ने में, ऑप्शन बी चने में, ऑप्शन सी चावल में, ऑप्शन डी मूंगफली में। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ने में। जो अवस्तंभ मूल है वो गन्ने में पाई जाती है, न चने में पाई जाती है, न चावल में, न मूंगफली में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं किससे विकसित होती है जड़ें? ऑप्शन ए तने से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी प्रांकुर से, ऑप्शन डी मूलांकुर से। कहाँ से विकसित होती हैं जड़ें बताइए जरा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से, यानी जो जड़ का जो अंकुर होता है सबसे नीचे वाला, वहीं से जड़ें नीचे की ओर विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है, गाजर क्या है? ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गाजर क्या है, आप लोग गाजर खाते हो, उसमें क्या है? तना है, पुष्प है या फिर जड़ है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जड़। जो गाजर है ना, वो एक प्रकार की जड़ है। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? यानी बरगद का कभी पेड़ देखा होगा, उसमें से मोटी मोटी जड़ें लटकती रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वायवी मूल, ऑप्शन बी है आरोही मूल, ऑप्शन सी स्तंभ मूल, ऑप्शन डी है वलयाकार मूल। कौन सी प्रकार की जड़ें हैं, मूल कौन सा है बताइए। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल। इन प्रकार की जड़ों को स्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? कौन सी चीज पेड़ में हमेशा पाई जाएगी? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी कलिका, ऑप्शन डी टहनियां यानी शाखाएं। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो पेड़ में हमेशा रहेगी बताइए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, पत्ती नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पेड़ रहेगा। कलिका यानी कलियाएं, जो छोटी छोटी कली होती वो नहीं रहेंगे तो भी पेड़ चलेगा, टहनियाँ नहीं होंगी तो भी पेड़ जिंदा रहे, पर अगर जड़ नहीं है तो पेड़ तो सूख जाएगा, पेड़ रहेगा ही नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर जड़ होगा, जड़ के बगैर पेड़ नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? आलू जो खाते हो वो क्या है? ऑप्शन ए जड़ है, ऑप्शन बी फल है, ऑप्शन सी तना है, ऑप्शन डी है कलिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तना। आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ऑप्शन बी सलकंद द्वारा, ऑप्शन सी धनकंद द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, नागफनी में पत्तियां नहीं होती हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? पर्णकाय स्तंभ, जो हरे कलर को लंबा लंबा होता है ना स्तंभ, वही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो पर्णकाय स्तंभ बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी ये सभी। क्या गाजर एक तना है? क्या मूली एक तना है? क्या आलू एक तना है? या सारे तने हैं? बताइए। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलू एक तना है, बाकी सब जड़ हैं। गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, देखो लिखा भी है, जिसे क्या कहा जाता है? ये किस प्रकार का तना है? अगर ये तना है आलू तो कौन से प्रकार तना है? ऑप्शन ए सलकंद, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन सी धनगंद, ऑप्शन डी कंद। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंद। आलू एक प्रकार का कंद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, यानी हल्दी के पौधा जो होता है उसका कौन सा हिस्सा आप यूज करते हैं? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी जड़। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकंद। जो हल्दी का जो हिस्सा होता है वो प्रकंद, हम लोग प्रकंद को यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अदरक क्या है? ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे हल्दी है वैसे ही अदरक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइजोम। राइजोम मतलब प्रकंद, प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तने का या फल का? प्याज किसका परिवर्तित रूप है बताइए। सो फ्रेंड्स, प्याज जो है तने का परिवर्तित रूप है, तना ही फूल कर प्याज बन गया है, जड़ तो उसके नीचे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स। ऐसे पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, योर कमेंट्स आर वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड शेयर एंड लाइक इट। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? आपने अगर तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको हमारे सारे वीडियो मिलते रहेंगे और अपडेट मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद अपने बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी क्लासें आपको किस प्रकार की और वो कौन कौन सी क्लासें चाहिए, और हम अपने क्लासों में डेली अपग्रेशन कर रहे हैं। आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।